I'm not afraid to die.
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो बड़ी खुशी की बात है कि एक वर्ष के बाद में मैं यहां पर आया हमारे कांतिलाल पुंजा जी उनके बड़े भैया और जगन्नाथ इत्यादि सभी भाई लोग बड़े आग्रह से बुलाया। मुझे ऐसे मालूम पड़ता है ये मिनी इंडिया है, छोटी सी छोटा भारत है और अपना घर है। बड़े प्रेम से ये लोग बुलाते हैं, इसीलिए वृंदावन जैसे धाम को, मधुर धाम को, जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई, जहां उनके सब कुंज हैं, हिरणें फुदकती हैं, मोर नाचते हैं, यहाँ सब समय षड ऋतु यहाँ पर विराजमानी होती है, जो सिद्ध भूमि है गोलोक वृंदावन में, उस वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक लिखा है यदि तुम शरीर से वास नहीं कर सकते वृंदावन में तो मन ही मन में भी वास करो और बतलाओ मैं उस वृंदावन को छोड़कर के इधर उधर भटक रहा हूं, किस लिए भटक रहा हूं? कोई प्यारी वृंदावन को छोड़ना चाहता है? तो इसलिए मैं यहां आता हूं तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये भी यहां के पर्वत सब हैं, यहां के छोटे छोटे वन हैं, बड़े सुंदर सुंदर चारों तरफ में, वहां पर तीन तरफ यमुना है, यहां पर चारों तरफ में यमुना है, यहाँ पर भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब लोग भक्त हैं और प्रेम से बुलाते हैं भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। इसलिए वृंदावन छोड़कर के, धाम छोड़कर के भी मैं यहाँ आ जाता हूँ। यह सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि इसी घर में, इसी जगह जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये पुंजा ब्रदर्स के आग्रह से हमारे परम पूज्य शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए, एक बार नहीं दो बार, और इन लोगों का आग्रह देकर के उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर भी एक आश्रम हो और इसके अनुसार में या ब्रदर्स ने अपना बहुत कुछ त्याग करके यहाँ पर मंदिर बनाया। इसको काली रमणीक दिक भी, इसको लोग कुछ लोग मानते हैं, रमणीक दिक न रमणीक दिक, काली अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ पर आकर के निवास किया कृष्ण के आदेश से, स्मृति भी इसमें लगी हुई है। स्वामी जी को यहाँ पर बहुत आदर दिया और यहाँ पर एक आश्रम भी उनकी इच्छा से, हमारे कांति जी के बड़े भैया ये और वासुदेव, उन लोगों ने बहुत सेवा की हमारे गौर मोहन जी पहले से, और उनकी पत्नी परम विदुषी और परम भक्त हैं। जब आप लोग इनके कीर्तन को सुनेंगे, इनकी वाणी को सुनेंगे तो देखेंगे ये कैसी है। मुझे इनसे बहुत ही स्नेह है तो मुझे बड़ी खुशी हुई
कि मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर हमारे 3-4 प्रोग्राम हैं, यहाँ है फिर पास ही में सुबह में भी है और सब जगहों में है। यहाँ पर हम लोग चेष्टा करेंगे भागवत कम से कम तो 12 दिन हो, और सवेरे 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, 6 घंटा डेली, और 7 दिन कंटिन्यूअस हो तो उसका कुछ अंश हम लोग कह सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक सुने कृष्ण की लीला कथाओं को तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके हृदय में कानों के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं और निर्मल करके उसमें सदा के लिए बैठ जाते हैं। अपनी भक्ति उन्नत उज्ज्वल रस की भक्ति तक को भी, जिसके अधीन कृष्ण हो जाते हैं, ऐसी भक्ति को भी प्रदान करते हैं। उसके हृदय की सारी ग्रंथियां मिट जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, सर्व संशया, उसके सारे संदेह मिट जाते हैं। All doubts go away, and all his nuts of life of quickly unfurls. So powerful is Hari Katha. Hari भगवान की कथाएं ऐसे ही powerful है। बस जो लोग जानबूझ करके भी इन हरि कथाओं का आदर नहीं करते और इन हरि कथाओं के नाम पर पैसा लूटते हैं और गुरु वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, वो बहुत बड़ी भारी अपराधी हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान नहीं आते। किंतु जो सरल होकर के, निष्कपट होकर के इन कथाओं का आदर करते हैं, कृष्ण जरूर उसके कानों में प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग करोड़ों जन्मों से भगवान को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर इस संसार में घूम रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम सुखी हैं। आप जितने सुखी हैं उससे कुत्ते ये समझते हैं कि हम इनसे बहुत सुखी हैं, और इनसे भी जो सुअर है गंदे नाली में रहती है, एक साथ में 16-18 बच्चे को पैदा करती है, लड़के लड़के की संतान की शादी के लिए कोई चिंता नहीं है, उनको सवेरे से शाम तक अपने बिजनेस में नहीं जाना पड़ता पैसा कमाने के लिए, वो सुअर कहती है ये हम इनसे लाखों गुण सुखी हैं, ये किस लिए सुखी हैं? ऐसे ही हम लाखों जन्मों से घूम रहे हैं भगवान को भूल करके। इस चीज को मत भूलो। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी ऐसा कहते हैं, हम ही नहीं कहते, हमारी गुरु परंपराएं कहती हैं, वेद कहते हैं, वेद ऑथेंटिक बुक ये कहते हैं। इन पर भरोसा करके, मां पर भरोसा नहीं कि भी कर सकते हैं। Sometimes we can rely on, have some belief on mother, but she can speak some something law that you are son of this, not son of this. But Ved Purans and Srimad Bhagavatam, they cannot tell law. Never. They are more than father and mother and parents, so merciful. Because they are actually Krishna. No difference between Krishna and Ved Shastra. Krishna has himself become Ved, Upanishad, Srimad Bhagavatam. More merciful than Krishna. When our all kinds of doubts, unwanted things will go away, and all kinds of offenses will go away, and after so much sadhana, lakhs and lakhs, but Krishna may give a glimpse
दर्शन। कभी कृष्ण दर्शन दे सकते हैं, बिना अपराध दुर्व्यवहार नहीं देंगे, किंतु ये भागवत रूपी जो भगवान है कृष्ण है, ये सब यहां अभी मिल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं हम लोग, उसके द्वारा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण बड़े दयालु हैं। इस जन्म को मत खो, डोंट लॉस दिस ह्यूमन लाइफ, नेवर। आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी एनीवन कैनॉट से, कोई नहीं कर सकता। इस जीवन के बाद में सुकर कुकर गधे हो गए, क्या हो गए, कोई ठीक नहीं। एस्पेशली द पर्सन्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, दे डोंट लाइक गॉड, दे लाइक डॉग्स, सो दे मस्ट बी डॉग्स। जो लोग कुत्तों को प्यार करते हैं, अंत में क्या होगा, वो कुत्ते होंगे, क्योंकि उसी की चिंता आएगी, और फिर वो भगवान का भजन करेंगे, ना साधु संग करेंगे, ना आत्मा का रियलाइजेशन कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लौं सुकल्पम गुरु कर्णधार मयानुकुलीन नभस्वतेरितं पुमान भवाब्धिम न तरेष आत्मा। इस चीज को आप लोग याद रखें। मनुष्य जन्म पाया और बहुत ही सुंदर सुखांत शरीर पाया, जवानी है, शरीर की इंद्रियां सब ठीक हैं, आंख है, कान नाक सब है, और गुरु भी मिल गए भगवान की कृपा से, साधु संग भी मिल गया, और इतना पाकर के भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, आत्मा का अनुभूति नहीं हुई, उनका जन्म बेकार है। और उनसे भी बेकार उन लोगों का जन्म है जिनको साधु संग मिल गया, हरि कथा सुन रहे हैं, गुरु भी मिल गए, फिर भी उच्च कोटि के साधु संतों का संग नहीं कर सके, उनका जीवन और बेकार है सब कुछ होकर। इसे मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य, गधे घोड़े और कुकर सुकर के जैसे जीवन को निर्वाह करके पुत्र पैदा करना ही नहीं है, उनका पालन पोषण करना नहीं है, बल्कि उनको भगवान की भक्ति पर यदि ला सको तो तुम्हारा जीवन और पुत्रों का पालन पोषण सार्थक है। पुत्र उत्पन्न करना यह बड़ी भारी बात नहीं है, ये कर सकते हैं, किंतु उसको आत्मा की अनुभूति हो सके, भगवान की अनुभूति हो सके, भगवत भक्ति हो सके, भगवान में प्रेम हो सके, ऐसा यदि कर सको तब तो तुम्हारा पिता होना सार्थक है, माता होना सार्थक है, तुमको पति होना सार्थक है, पत्नी होना सार्थक है। यदि भगवान की अनुभूति नहीं हो, जो विश्व की रचना करता है, क्षण मात्र में विश्व की रचना कर देगा, क्षण मात्र में विश्व का संहार कर देगा, और बड़ा कृपालु है, उसका भजन नहीं किया तो धिक्कार है हमारे जन्म को। इसलिए हम लोगों को भगवान का जरूर भजन करना चाहिए। एक बात समझिए इस चीज को, एक आदमी बहुत धनी है, बहुत धनी है, और वो नौजवान है, बहुत सुंदर सुकांत है, उसके शरीर बड़े सुंदर हैं, इंद्रियां बड़ी तेज है, बहुत बुद्धिमान है, और उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर और बुद्धिमती है, और उसके लड़के भी हैं, चार लड़के हैं, एक या दो लड़की है, वो भी सुंदर है, लड़कियों की अच्छी जगह में शादी हो गई, लड़कों की शादी हो गई, उनके नाती भी हो गए, बड़े सुंदर से उनका सब कुछ चल रहा है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, उनको भगवत भजन करने की क्या जरूरत है, वो अपने जीवन में सुखी तो है ही है, तो उनको क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की। पुंडरिक जी 5 मिनट इसके संबंध में बोलिए। खड़े होकर
श्री गुरु महाराज जी के कृपा देश से इस संबंध में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। श्री गुरु महाराज ने बताया कि इस संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास धन, वैभव, परिवार और एक समाज में रहने के लिए जिन आवश्यक चीजों की जरूरत होती है उनके पास बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, किसी प्रकार की परेशानी या चिंता नहीं है। इसलिए ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें भजन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन यदि हम बहुत ध्यान से विचार करें इस बात पर तो यह पाएंगे कि उनका जो सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, सुख की प्रतीति है, लगता है कि सुख है। जैसे गुरु महाराज जी ने भी स्वयं ही बताया कि हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अर्थात क्या ये सुख ठीक वैसे ही है जैसे इस घर के अंदर हम बैठे हैं और इससे भी अधिक और ऐसे ऐसे वैभवशाली घर हैं जहां पर बटन दबाने से समस्त प्रकार की चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, और भी बहुत प्रकार का वैभव है। किंतु उस घर के चारों ओर बाहर भी यदि आग लगी हो तो उस घर के अंदर बैठ करके हम जिस सुख को उपभोग कर रहे हैं उस सुख की वास्तविकता कितनी रह जाती है। यू कैन स्पीक ऑल्सो समटाइम्स इन इंग्लिश ऑल्सो। उस सुख की वास्तविकता कितनी रह जाती है। इसलिए यदि हम और भी गौर करें तो देखेंगे नो मैटर हाउ एवर ब्यूटिफुल वी आर, वी मे बी वेरी पावरफुल, बट बिकॉज वी हैव दिस मटीरियल बॉडी सो वी आर बाउंड टू सफर सर्टेन इनएविटेबल मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। वी मस्ट फील हंग्री थ्री टाइम्स अ डे, वी वॉन्ट टू ईट फूड। एनी स्ट्रांग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट से दैट ही कैन लिव विदाउट फूड। दे फील थर्स्टी, दे मस्ट टेक वॉटर, प्योर वॉटर, दे कैनॉट लिव विदाउट वॉटर। दे मस्ट ब्रीथ सम प्योर एयर। दे कैनॉट सरपास द लॉज ऑफ मटीरियल नेचर, दे कैनॉट। और यदि एक चीज और देखें कि सभी में भोग करने की प्रचुर कामना है, कि जितने भी लोग हैं सभी में, छोटे से बच्चे में भी। तो जब सभी में भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है और जिस प्रकार से उनका शरीर विकसित होता है ये भोग करने की इच्छा वासना और प्रबल होती जाती है, ऐसी अवस्था में कौन किसको सुख प्रदान करेगा। सभी तो शोषण करना चाहते हैं एक दूसरे का। इस स्वार्थता के कारण ऊपर से दिखने वाली मीठी मीठी बातें या जो रिश्ते हम निभाते भी हैं दोस्ती के नाम पर या मां बेटे भाई बहन के नाम पर, ये सब स्वार्थ पर है, निस्वार्थ नहीं है। जब तक इंद्रियों का सुख एक दूसरे से मिलता रहता है तब तक तो हम एक दूसरे के बहुत ही प्यारे हैं। जैसे ही उस सुख में व्याधा या बाधा उत्पन्न होती है भाई भाई को कत्ल कर देता है। कितने ही उदाहरण है शास्त्रों में, इतिहास में भी हम देखते हैं, आज वर्तमान समाज में भी देख रहे हैं। इसी समाज में हमारा ही देश, हमारा ही घर, किंतु उसमें हम सुख से सांस नहीं ले सकते हैं। ईरान इराक, कितने प्रकार के युद्ध हम सुन रहे हैं। सद्दाम हुसैन को लीजिए, बड़ा प्रभावी है, देश का नेता है, कितने लोग उसके नीचे चल रहे हैं, किंतु आज अपने ही देश में चूहे के जैसे बैठ के दुभर करके बैठा हुआ है। तो किस प्रकार की खुशी है ये, किस प्रकार का आनंद है। और इधर शरीर क्रमशः धीरे 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 मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। ग्रेजुअली दिस बॉडी इज एडवांसिंग टुवर्ड्स डेथ। आईज, ईयर्स, टीथ, ऑल आवर सेंसेस ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वीक। सो इन दिस प्राइम एज ऑफ आवर लाइफ व्हेन वन इज यंग वी वर सपोज्ड टू यूटिलाइज दिस वेल्थ टू अटेन द मोस्ट प्रेशियस jewel. What was that? Eternal bliss, eternal happiness. Why it is important? Because throughout our life, from the birth itself, everyone is hankering for happiness. जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के अलावा किसी को जानता नहीं, किसी को भी नहीं जानता। रोएगा तो माँ के पास आकर के चुप होगा और कोई उसको
सुख नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर क्या हुआ, अब माँ के पास आता है जब भूख लगेगी या कुछ चाहिए, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा, दोस्तों के पास खेलने के लिए, उसे खिलौने चाहिए, अब माँ के अलावा एक और व्यक्ति चाहिए उसे, केवल माँ से उसका गुजारा नहीं होगा, कैसा रिश्ता है, माँ उसके बिना तड़प रही है, किंतु अब उसे माँ की कब याद आएगी, जब उसे कुछ खाने के लिए चाहिए या कुछ चोट लगी या किसी चीज की जरूरत है, नहीं तो अब माँ की जरूरत नहीं। ऐसे ही बड़े होते 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 आज के समाज में तो देख रहे हैं, युवावस्था आने पे माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं है, समाज के बंधनों की कोई मर्यादा की कोई लाज ही नहीं है, अपने इंद्रिय सुख के प्रति इस प्रकार से हम अंधे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो इस प्रकार के अनाचार और दुराचार को करके क्या कोई व्यक्ति जीवन में सुखी रह सकता है? ये समाज भगवान ने जब बनाया है इसकी व्यवस्था ठीक वैसे ही की है जैसे हमारा ये शरीर है। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी मस्ट कॉपरेट इन ऑर्डर टू लिव। इफ हैंड्स फिंगर्स आईज नोज दे स्टार्ट दिस कॉपरेटिंग विद आर सेल्फ देन व्हाट विल हैपन, कैन वी लिव इवन फॉर वन मोमेंट, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही पुत्र पिता माता, ये सारे शब्दों के अर्थ यदि हम ध्यान से देखें तो इन शब्दों में एक दूसरे के प्रति कर्तव्यता का बोध होता है, और यदि हम अपने उन कर्तव्यों को भूल करके केवल अपने आप को ये शरीर समझकर ही जीवन निर्वाह करेंगे तो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, संभव ही नहीं है। और प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा में भी हमें इस बात को और अच्छे से समझने को बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, जिसमें बोलते हैं क्योंकि उनके पिताजी हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुरों के राजा हैं, छोटे से बालक 5 वर्ष का बालक उसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, असुरों के स्कूल में। उस स्कूल में क्या शिक्षा दी जाती है, शाम दाम दंड भेद इत्यादि की नीतियां जो आजकल सिखाई जा रही है, ये नहीं सिखाया जा रहा कि प्रेम कैसे करो, धर्म का आचरण कैसे करो, तुम लोग आत्मा हो शरीर नहीं हो इस तथ्य को प्राप्त करने की चेष्टा करो, इस प्रकार की शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कैसे झूठ बोले, कैसे धोखा दे, कैसे अनाचार करे, कैसे दुराचार करे, या किस प्रकार से विध्वंस कर सके, इन चीजों को सिखाया जा रहा है। तो किंतु प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, नारद जी की कृपा से उनके हृदय में उस भगवत विद्या को पूर्ण रूप से उन्होंने अनुभूति कर रखी है, इसलिए उनको किसी प्रकार से संशय नहीं है। तो जब हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा प्रहलाद महाराज जी से कि बताओ बेटा, इतने दिन से तुम स्कूल में जा रहे हो, तुम्हें क्या शिक्षा सबसे अच्छी लगी, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं तत् साधु मन्ये असुर वज्य दीहिनां सदा समुद्विग्न ध्यान असद ग्रहाता हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वरम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोलते हे असुरराज, अपने पिता को ही संबोधन कर रहे हैं हे असुरराज, और उसे सुनकर के हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो रहा है कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा असुर, किंतु बेटा बताना चाह रहे बड़े दुख से बोल रहा पिता को कि हे असुरों के राजा तुम सुनो कि मैंने क्या सीखा है, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, और बोलते हैं कि ये शिक्षा मैंने उन व्यक्तियों से तत् साधु मन्ये जो मैंने अपने सदगुरुओं से सीखा है वो बताने की चेष्टा कर रहा हूं। हालांकि हिरण्यकशिपु नहीं समझ पा रहा कि सदगुरु किसे बोल रहे, किंतु अब जब शिक्षा सुनेगा तो अवाक रह जाता है। बोलते हैं सदा समुद्विग्न ध्यान असद ग्रहाता, असद अर्थात जो सद नहीं है, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं कैसे अजितेंद्रिय अर्थात जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है, मन वशीभूत नहीं है, ऐसे लोगों ने असद वस्तु को सद मान करके ग्रहण कर रखा है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, सदा समुद्विग्न, सब समय के लिए वो उद्विग्न है, सब समय के लिए, दिन रात, रात को नींद नहीं है, चिंता है, और दिन में कितने प्रकार की परेशानियां हैं, और ऐसे जीवन भर बिना किसी रुकावट के, यदि कोई कहे नहीं जी हमें तो खुशी भी मिलती है, किंतु बोलते नहीं कैसे बता रहे हैं। असल वस्तु से कहने का तात्पर्य मूल में इस शरीर को संबोधन किया जा रहा है, केवल पारिवारिक जीवन के लिए नहीं है, गृहबंध कूपन से केवल यह नहीं हम समझे कि हम केवल जो लोग गृहस्थी हैं जिनके बच्चे हैं परिवार है उन्हीं को यहां पर प्रहलाद महाराज लक्ष्य कर रहे हैं, नहीं, ये शरीर एक अंधकूप है, ये गृह है, इस घर को जिन्होंने अपना मान लिया है कि ये शरीर मैं हूं और मुझे इसके लिए जीना है, वे सभी लोग सब समय के लिए समुद्विग्न है।
24 घंटे और कितने प्रकार की परेशानियां। इस शरीर से जनित दुख अलग है, इस शरीर को सब समय रोग व्याप्त कर रहा है सब समय, और उसके अलावा शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हमने अपनी बना के रखी हुई हैं, वो अपनी वस्तुएं भी हमें छोड़नी पड़ रही हैं अभी भी और बाद में छूट भी जाएंगी, और इस शरीर से संबंध जिन लोगों के जुड़े हुए हैं वो भी हमें छोड़ देंगे। जब हमारा अपना शरीर ही छोड़ देगा तो बाकी संबंधों की तो बुनियाद की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो ऐसे सब लोग क्योंकि असत वस्तु को अपना मान लिया है जो सत नहीं है, इसलिए सब समय दुखी है। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज जी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वनम गतो यद हरिमाश्रय। ऐसे लोगों को चाहिए कि इस अवस्था को तुरंत त्याग करके, तुरंत मैंने से कहने से क्या तात्पर्य, जब ही पता चले, आयु की बात नहीं कही कि वृद्ध होकर के करो, नहीं, स्त्री हो पुरुष हो ऐसा कोई विचार नहीं दिखाया, जैसे ही पता चले आपको तुरंत, जैसे पैसा कमाने का मौका मिले तो हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा या 40 वर्ष का हो जाऊंगा तब पैसा कमाऊंगा, नहीं। शरीर संबंधी सुख को प्राप्त करने के लिए तो हम बाल्यकाल से ही तत्पर है, जन्म से ही तत्पर है। उसी प्रकार से आत्म संबंधी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उस भगवत प्रीति को प्राप्त करने के लिए, सदगुरु की शरण को प्राप्त करने के लिए, साधुओं के संघ को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर चेष्टा युक्त होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा धन है कि एक बार मिल जाने के बाद आपको जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाएगा, फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई कमियां नहीं रहेंगी। समस्त प्रकार से जितने भी मंगल हैं, जितने भी कोई मंगल कामना कर सकता है, इस केवल इस संसार में नहीं, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी तक को जितने सुख प्राप्त हैं, वो सब सुख आपको बिना किसी प्रयास के अनायासी प्राप्त हो जाएंगे। कितने ही उदाहरण हैं, महाराज जी के कितने शिष्य हैं जो दिल्ली में बाहर में हैं, वो लोग एक भक्त हैं, वो दिल्ली में पहले IIT में पढ़ रहे थे, वहां पर उन्होंने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल किया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-7 वर्ष पहले की बात है, और उसके दौरान भी वो निरंतर जिन दिनों में उनके एग्जाम थे IIT के, उन दिनों में भी वो रोज 16 माला का जप, आधा घंटा गीता के आदि ग्रंथों का पाठ करते थे एग्जाम के दिन में भी, और फिर उनको स्कॉलरशिप मिली इसके कारण, और अमेरिका में गए, वहां पे भी उन्होंने PhD करी, उसमें भी उनको गोल्ड मेडल मिला, और उसके दौरान भी उन्होंने किसी भी ऐसा एक दिन नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने गुरु जी के दिए मंत्रों का जप ना किया हो, हरिनाम ना किया हो, अपने ग्रंथों का अनुशीलन ना किया हो। तो हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं संतों के द्वारा, भक्ति के इस पथ के द्वारा, जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया उसके द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन को संतुलित कर रखा है, उनको इस जीवन में भी सुख है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विवेक सब समय जागृत है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है इस शरीर का तो सब समय ही, ये शरीर तो मरा ही हुआ है, शरीर से संबंधित जितने वस्तुएं वो अनित्य हैं, जब हम आए इस संसार में उसको लेकर नहीं आए, और जब मृत्यु भी होगी तो कुछ भी वस्तु साथ में नहीं जाएगी, तब ऐसी अवस्था में किस चीज का दुख, किस चीज का शोक? केवल एक चीज का, कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला था, क्या? भगवत प्राप्ति। जैसे अभी गुरु जी ने बताया, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और इसमें ऐसी बुद्धि और विवेक भगवान ने दे दिया जिसके द्वारा गीता पढ़ सकते हैं, गीता समझ सकते हैं, भगवान की बातों को सुन सकते हैं। जानवर नहीं समझेगा, जानवर नहीं सुनेगा, आप गीता लेके जाए गाय के पास, क्या सुनेगी, पढ़ेगी? नहीं, केवल मनुष्य के लिए। इसलिए धर्म का आचरण यदि मनुष्य नहीं करता तो वो दो टांगों का पशु माना जाता है, उसको शास्त्र मनुष्य नहीं कहता है। और इसके विपरीत जिसमें भगवत भक्ति जागृत हो गई है उसके पास कैसा भी शरीर क्यों ना हो, जैसे जामवन जी कैसा शरीर था उनका, हनुमान जी कैसा शरीर था उनका, अहिल्या पत्थर के रूप में थी, किंतु जिनकी भगवत भक्ति जागृत हो गई है उनको बाह्य शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार में वो भगवान के दान में हो, वो सब समय भगवान से जुड़े हुए हैं, भक्ति के द्वारा सब समय अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में निवेदित कर रखा है उन्होंने, और उनके इस कार्य से भगवान वशीभूत होकर के सब समय उनकी समस्त प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के भगवान। इसलिए हम सब समय इस प्रकार अपने जीवन को नियंत्रित करें, इस प्रकार से अपने जीवन को संतुलित करें कि हमारे सांसारिक कर्तव्य भी निभ जाएं, क्योंकि जब इस जगह पर आए हैं तो कुछ तो हमारे कर्म और कुछ कर्म पुण्य हैं जिनके कारण हम यहां पर आए हैं, वो खत्म हो जाए लेकिन और ना बढ़े।
सदगुरु के चरणों में जाकर के शरण लें, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को पालन करें और शिष्य के जो कर्तव्य बता रखे हैं उनके द्वारा जीवन को पालन करें, तो देखेंगे कि भगवान दूर नहीं है हमसे, भक्ति दूर नहीं है, जीवन के सुख दूर नहीं है हमसे। और किसी जीवन में सदगुरु की शरण प्राप्त करने से हम अवश्य ही अपने परम पुरुषार्थ भगवत प्रीति उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विपरीत जिनके जीवन में ऐसे सद आचरण का अभाव है वे लोग केवल अपने मन में केवल ऐसी कल्पना करते हैं कि मैं सुखी हूं, किंतु वो सुखी कभी नहीं, कभी नहीं। पंडित जी ने बहुत सुंदर रूप में बताया, कभी कभी भगवान स्वयं राम और कृष्ण महाप्रभु के रूप में जगत में आते हैं और कभी कभी अपने परम भक्तों को इस जगत में भेजते हैं हमारे कल्याण के लिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान के परिकर थे, परीक्षित महाराज जी को भागवत कथा सुनाने के बहाने जगत का कल्याण किया। यदि यह भागवत ग्रंथ जगत में प्रकाश नहीं होता तो जगत अधूरा रह जाता, यथार्थ कल्याण नहीं होता। ये गीता जो संसार में सबसे पुस्तक श्रेष्ठ है वो हमारे यहां धर्म राज्य में पहली पुस्तक है और श्रीमद् भागवत अंतिम पुस्तक है, सबसे श्रेष्ठ। पीएचडी और डीलिट लोगों के लिए भी वो पठनीय है, इतनी ऊंची है। उसमें प्रेम का संदेश है, कैसे कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर के सबसे प्रेम किया, हिरणों से भी प्रेम किया, मयूरों से भी किया और गोप गोपियों की तो बात ही क्या। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहुसंभवन्ति। शुभानंद ब्रह्मचारी जी इस पर थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, मनोरंजक रूप में कहानियों के माध्यम से। I've told so much things in English. And after that we will tadalaya krishnaya krishna vattaya tad vattaya namo namaha sarvapratam अस्मदीय गुरुपाद पदों उनके चरणों में अशोक कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। उपस्थित पूज्य वैष्णव वृंद समस्त सज्जनों माता सबको मेरा यथायुग प्रणाम। अभी अभी आपने श्रवण किया है पूज्य गुरु जी महाराज जी के यहां समुपस्थिति और इस प्रकार शुभ पदार्पण सभी वैष्णव जनों के साथ में। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, न जन्मयानि तीर्थानि न देवामृत शिलामया ते पुनंत उरुकालेन दर्शनार्थ एव साधन। जिस गृह में जहां पर महान पुरुषों का आगमन होता है, सदगुरु का आगमन होता है, उनके दर्शन मात्र स्मरण मात्र हृदय पवित्र हो जाता है, वही गोलोक वृंदावन बन जाता है। वहां भगवान विराजमान साक्षात भगवान की कृपा मूर्तिमान रूप में श्री गुरु के रूप में विराजमान है, तो आज उनका दर्शन जीवन का परम सौभाग्य का विषय है। जिस समय यह सौभाग्य होता है उस समय समझना चाहिए कि संसार बंधन समाप्त हो गया है, समस्त कर्म कर्म बंधन सदा के लिए छूट गया है। इसलिए शास्त्रों में बारंबार कहा है, ऐसे संत पुरुषों की वाणी ही जीवन के लिए एकमात्र सार होता है। जब तक अमृतमय वाणी का श्रवण नहीं करते, ऐसे संत पुरुषों की सेवा नहीं होती, सदगुरु का
आश्रय नहीं होता जब तक उनके चरणों में अपने को समर्पण नहीं कर देती। उनकी सेवा के लिए जब समुत्साहित नहीं होते तब तक जीवन अधूरा ही है। अभी अभी आपने श्रवण किया कि इस संसार में कर्मों के द्वारा हम अनादिकाल से आ रहे हैं, पुनः पुनः हम जन्म लेते हैं, पुनः पुनः इस संसार को छोड़कर जाते हैं, आना जाना हमेशा लगा रहा है। और इसी के बीच में हम दिवारात्र भौतिकता की ओर बढ़ गए हैं, कितने हम भौतिक सुखों की ओर आगे बढ़ते गए, चरम सुख साधन हमें मिला है, परंतु उसका परिणाम सामने आया कि हम सब बिखरे हुए। भौतिक विज्ञान हम सब को बिखेर देता है और विध्वंस की ओर ले जाता है। क्यों? वेदों में कहा है जब तक हम संत पुरुषों के आश्रय में नहीं जाएं, महान पुरुषों के चरणों में आश्रय नहीं लें, तब तक हमारी बुद्धि कभी सुधरती नहीं, न सद्बुद्धि आती है, न हम सत रास्ते में चलते हैं। कौन सा सत है, कौन सा अच्छा है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए कहा तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेवाविगच्छेत् स्वमित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। यदि पारमार्थिक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान लाभ करना है तो जब तक सदगुरु का आश्रय नहीं करेंगे वह विज्ञान ध्वंस के लिए हो जाता है, जैसे कि महाभारत युद्ध के पश्चात हुआ था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, कहा कि देखो अश्वत्थामा प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, परंतु ये नहीं जानता है कि उसका उपसंहार कैसे होता है, सारा संसार प्रलय में जा रहा है। तुम जानते हो इस बात को, अब तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो, इसका प्रतिरोध करो और उसे पकड़ो। तो अर्जुन ने वही किया, जबकि भगवान कृष्ण के आश्रय में थे, अश्वत्थामा को कुछ आश्रय नहीं था, इसलिए भटका हुआ था। ऐसे ही ये विज्ञान जो है, भौतिक वाद और भौतिक सुख विध्वंस की ओर ले जाता है, जिसमें जी भटक रहे हैं। आज हम संसार को जोड़ना चाहते हैं एक सूत्र में, भौतिक सुखों के द्वारा, परंतु होता नहीं, सब बिखरता जा रहा है, सब विध्वंस की ओर जा रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, यदि हम भगवान की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें, सदगुरु के चरणों में आश्रय लें, तो सारा संसार उनके चरणों में झुक जाता है, सभी लोग उन्हीं को भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, सबको एक सूत्र में बांध सकते हैं। अन्यथा हजारों गुण आ जाए और सब कुछ उन्हें प्राप्त हो, किसी भी तरह से किसी को बांध नहीं सकते, न किसी को अपने पास रख सकते, वही सामने परिणाम के रूप में। इसलिए कहा बुद्धिमान पुरुष इस संसार में आए हुए केवल खाने पीने भोग विलास में, भौतिक सुखों में न बढ़ करके, यह जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के, प्रभु की आराधना करने के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही यथार्थ ही ज्ञानालोक को प्राप्त होता है, उनका हृदय विकसित होता है। हमारे एक आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, प्राणियों में भगवान ने चेतना दी है, जीव चेतन वस्तु, सुख की राशि भगवान का अंश है, सबके अंदर वह आनंद है, प्रेम है। विश्व संसार में ऐसा कोई मानव नहीं जो सुख शांति नहीं चाहता हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं सुख नहीं चाहता।
उसी के लिए लोग बड़े बड़े कर्मों को करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब किसके लिए? कि सुख प्राप्ति के लिए। परंतु सुख नहीं मिल पाता है, उसका ठीक उल्टा विपरीत हो जाता है, दुख ही दुख आता है। वही कारण है कि वेदांत का संदेश कि एक के पीछे जीरो लगा दे तो दस गुना बढ़ता जाएगा, ऐसे जितना ही जीरो बैठाते जाएंगे उतना ही दस दस गुना बढ़ता चला जाएगा और संख्या बढ़ती जाएगी। और एक को छोड़ करके जब हम सब ऐसे जीरो लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सब जीरो। इसलिए वेदांत ने कहा एक अभिवाद द्वितीय, विश्व संसार में एक परम पुरुष भगवान है, उनका आश्रय छोड़ करके जब हम घूमते रहेंगे, सबको अपनाते रहेंगे, कोई अपना नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। इसलिए कहा उस परम पुरुष भगवान को भक्ति करें, श्रद्धा करें, उनको अपनाए तो सबको अपनाना होता है। इसलिए स्मृति शास्त्र में भी यही कहा, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम प्रणीते प्रणताम जगत, उनके प्रसन्न होने पर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उनके तृप्त होने पर सभी लोग तृप्त होते हैं। वे हैं विश्वम्भर, अणु अणु में सर्वत्र व्याप्त हैं, जिन्होंने सारा विश्व संसार को बनाया, जो सब में अणु अणु में घट घट वासी अंतर्जामी के रूप में है, काल रूप में सबको चलाते हैं, हम सबके शरीर में शक्ति को दिए हैं, हमारे अंदर बुद्धि को विवेक को दिया है, परंतु हम इस शरीर को पा करके बीच में अहंकार करते हैं। इधर में जन्म, उधर में मृत्यु, और बीच में हम अहंकार अभिमान में स्वाभिमान में डूबे हुए हैं। अहंकार विमूल आत्मा करता हम इति मन में, जब संसार में आकर के अहंकारी अभिमानी होकर अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, परंतु कोई भोग करने वाला नहीं और न ही करता है, न ही भोगता है। भोगता तो एकमात्र विश्व ब्रह्मांड के प्रभु भगवान, हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने वही कहा है, हम सबका परिचय क्या है, हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। सेवा ही हमारा धर्म है, और इसे छोड़कर जिस समय हम कभी निराकार निराधार की ओर बढ़ते हैं तो उस समय क्लेशो अधिकतर स्थितिसा अव्यक्त आसक्त चेतसा। जो कोई निराकार की उपासना में चले जाते हैं निर्विशेष की आराधना में, तो वो अधिक दुख कष्ट को भोगता है, और जो भौतिक मार्ग में विषय सुखों की ओर बढ़ता है और भी अधिक कष्ट को भोगता है। इसलिए कहा लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ति, बड़े भाग्य से हमारा मनुष्य जीवन मिला है, यह भी साधारण रूप से नहीं, असंख्य करोड़ आत्माएं जहां जन्म लेने को तरस रही हैं, उस उनके बीच में से प्रभु ने हमें जन्म दिया, इस संसार में हमने मानव जीवन को लाभ किया, 84 लाख प्रकार के प्राणी शरीरों में हमने भ्रमण किया, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, एक ही 3.5 हाथ का दरवाजा केवल, इस दरवाजे से निकलने का उपाय है, और कोई रास्ता नहीं। और उसी में जब आए भ्रमण करते करते लाखों करोड़ों जन्म हम भ्रमण कर लिए, और जब दरवाजे के सामने आए उस समय हमारे सिर में खुजली मच गई और दरवाजे को निकल छोड़ करके हम निकल गए। ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया था कि इस संसार से पार होने के लिए, चेतनता का विकास दिया था, पहाड़ों में पेड़ों में चेतनता है पर वो आच्छादित है, ढका हुआ है, विकास नहीं। पशुओं में पक्षियों में चेतनता है, संकुचित है, मारने पर डरता है, भागता है, कुछ कर नहीं सकता। जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले मनुष्य भी हैं, उनके जीवन का विकास नहीं है,
परंतु सामाजिक रूप में हम आए हुए हैं, हमारे अंदर भगवान ने विकास दिया, बुद्धि दी, तो इस विकास में हम यदि भौतिकता की ओर न बढ़ करके परमार्थ विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ते हैं, तो हमें पारमार्थिक विज्ञान लाभ होगा, उसके द्वारा हमारा जीवन एक आधारित होगा। निराधार में जीवन कभी चल नहीं सकता है, एक आधार को मानना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का यही देन है, यही मुख्य धारा है कि हमारा एक आधार है, हम प्रभु को मान करके, उन्हीं को मान बीच में रख करके हम सब कुछ करते हैं, तो हमें कहीं विपत्ति नहीं होगी। और उनको छोड़ करके जहां कहीं हम जाएंगे हम भटकते ही रहेंगे, निराधार में कभी भी कोई शांति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला भगवत भक्ति के लिए, केवल विषय सुख भोगने के लिए नहीं। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, उनको मान करके चलें, संत पुरुषों का सेवा करें, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करें, उनके आदेश निर्देश के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, इसी मार्ग पर चलें, तो हमें यथार्थ वास्तविक कल्याण मिलेगा। इसलिए मैं यही कह करके अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। द्वारका में कृष्ण के लड़के थे, वो खेलते हुए एक जंगल में गए। वंस द सन्स ऑफ कृष्ण वेंट टू प्ले इन फॉरेस्ट एंड व्हेन दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे तो उनको प्यास लगी। There was so much, they became so thirsty and they were searching water, where water, कहाँ पानी है। एक बड़े भारी कुएं में गए। They went and they saw there was a very big well, बड़े well को देखा। हम हिंदी में बोल देते हैं, अंग्रेजी में कोई दूसरे बोल देते हैं। तो बड़े भारी गभीर कुएं को देखा और उसमें देखा कि एक बड़ा भारी जानवर उस कुएं में पड़ा हुआ है, जिसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं, जो अपने शरीर के रंग को बदलता रहता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गिरगिट था, जिससे कि कुआं पूरा भर गया था, पानी लेने की जगह नहीं थी। देख करके सब बच्चों ने मिल करके उसको निकालने की चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, किंतु वो निकल नहीं सका। तो वो कृष्ण के पास में दौड़े हुए अपने पिताजी के पास में आए कि जंगल में एक कुएं में एक बहुत बड़ा भारी जानवर पड़ा हुआ है, हम लोगों ने निकालने की चेष्टा की, नहीं निकला। क्या चीज है हम लोग को पता नहीं लग सका। कृष्ण उनके साथ में गए, देखा जी ये गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ बहुत बड़ा विशाल है। उन्होंने अपने पैर को नीचे कुएं में लटका दिया और उसके सिर को अपने पैरों से छू दिया, और छूते ही बड़ा दिव्य जैसा, गंधर्व जैसा, बड़ा सुंदर मूर्ति का एक नव युवक निकला। उसने कृष्ण को चारों तरफ से परिक्रमा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगा। ये आपके स्पर्श मात्र से मेरा उद्धार हो गया, आप कृपा करके हमें अपनी भक्ति दीजिए, फिर अब संसार में नहीं आना पड़े। कृष्ण ने उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा उससे, ये आप कौन हैं? क्यों गिरगिट बन करके इस कुएं में आ गए और इतना दुख भोग कर रहे हैं, कितने दिनों से ऐसा भोग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बहुत दिनों की बात, लाखों वर्ष पहले
मैं एक राजा था, बड़ा दान करता था। राजा का नाम क्या? नृग महाराज। बहुत दान करते थे। रोज उनका नियम था लाखों गायें सोने से उनके सिंह को बढ़ाकर और पैरों में चांदी के खूब और ऊपर से रेशमी वस्त्र जिसमें कि सोने लगे हुए हों झाल और उसका बछड़ा हो और दूध 40 किलो गैया देती है और बछड़ा फुदकने वाला बड़ा सुंदर बछड़ी और उसके साथ में लाख गायों का दान मैं करता था प्रतिदिन। तब पानी पीता था। कितनी हमने जीवन भर में लाखों वर्ष की उस समय उम्र थी और हमने कितनी गाय दान की इसका कोई हद नहीं। कोई आकाश के तारों को गिन ले, पृथ्वी के धूल को गिन ले, किंतु मैंने कितना दान किया इसका कोई हिसाब नहीं। एक दिन मैंने लाखों गायें दान की। इतने में एक आदमी दौड़ करके आया, महाराज ये जो गाय आपने दान की है ये मेरी गाय है, आपने तो मुझे दान किया था। और ये भाग करके चली आई और किसी ने आपको पास में बेच दिया और आपने इसको फिर से दान कर दिया। तो दान की ही चीज को तो फिर से दान नहीं करना चाहिए। ये गाय मेरी है, मेरी गाय को दे दीजिए, मत दान कीजिए इसको। और जो दान लिया था वो कहता है ये मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे दान दी है। दोनों लड़ रहे थे। उसने कहा जी मेरी गाय है, वो कहता है जी मेरी गाय। उन्हें राजा ने मुझको दिया, उसने कहा जी राजा ने मुझको दान दिया। दोनों लड़ते हुए महाराज के पास में आया और नालिश कीजिए, महाराज ये गैया मेरी है, वो गैया मेरी है, ये गैया मुझे दीजिए। महाराज ने बहुत चिंता किया, कहा जी देखो एक गाय के बदले 1000 गाय ले लो, 10,000 गाय लो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 गाय लो। किंतु वो ब्राह्मण तैयार नहीं, नहीं हमको तो वही गाय चाहिए, द सेम काउ, हमको दूसरी गाय नहीं चाहिए। दूसरे को समझा दे भैया तुम एक गाय के बदले 10 गाय, 20 गाय, लाख गाय ले लो, 10,00,000 ले लो, रुपए ले लो, जो कुछ भी ले लो, हमारा राज्य ले लो, किंतु ये गैया लौटा दो। भैया मैं नहीं लौटाता, आपने दिया है गाय, मैं ले जा रहा हूं, मैं नहीं देता, आप अच्छी तरह से न्याय कीजिए। राजा कुछ भी न्याय नहीं कर सका, सोचने मैं क्या करूं, उसको समझाता है नहीं मानता, इन्हीं की गैया दी हुई, किंतु अब उनकी बात नहीं मान रहा, ये भी नहीं मान रहा। राजा ने कहा जी मैं क्या करूं। उन्हें कहे तू गिरगिट जैसा रंग बदलता है, कभी कहता है जी तुमको दिया, कभी कहा जाए तुमको दिया, तो जा तुम लाखों वर्ष के लिए गिरगिट बन जाओ, लाखों वर्ष के लिए। तब ये गिरगिट बन करके आ गया। मैं लाखों वर्ष से यहां पर हूं। मैंने उनके चरणों में कहा जी भाई मैं क्या करूं, मेरी कैसे गति होगी। कहा जी हम लोग नहीं जानते, किंतु राजा दानी होने पर भी एक बात उसने की। एक दिन कोई आया, कोई ब्राह्मण, बोला जी हमको एक भागवत की पोथी चाहिए। तो उस समय में छपती नहीं थी, उस समय पूंजीलाल जैसे प्रेस नहीं थे जो वहां पर पुस्तकें छपें। उस समय में भागवत की नकल करते थे अपने हाथों से और उसको लोग देते थे सोने के सिंहासन पर रखकर। तो राजा से मांगा जी हमको एक भागवत की पोथी चाहिए, हम बहुत चेष्टा किया हमको नहीं मिल रही, हमको दीजिए। तो महाराज जी ने उसको एक नृग महाराज जी ने भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रख करके उसको दी थी और वो ले गया, वो पढ़ करके उसका जीवन सार्थक हो गया। इसी पुण्य से आज आपके चरणों के दर्शन हुए और मैं इस जोनी से निकल गया, नहीं तो लाखों जोनी से मैं इसमें गिरगिट में पड़ा हुआ
वर्षा में, धूप में, बिना खाए बिना पिए और इसी में पड़ा हुआ था। लाख गायों का दान, करोड़ों गायों का दान भी हमको कुछ नहीं कर सका। ये दान भी, दान करना भी देखिए न गुनाह हो गया न पाप हो गया, उसको पूर्व जन्म की ये मिली। आज लोग अस्पताल बनाते हैं जिसमें लाखों रोगियों का इलाज होता है। एक डकैत था जिसने 50 आदमी का मर्डर किया और उस अस्पताल में उसकी चिकित्सा हुई। वो लाख आदमी को मारा, अंतिम में जहां पर चोरी की और डकैती की, हजारों आदमियों को मार करके, और स्वयं भी घायल हो गया। वो बचने की आशा नहीं थी किंतु उसी अस्पताल में वो भर्ती हो गया और उसकी चिकित्सा हुई, ठीक हो गया। अब उसको याद था कि जिसने गोली मारी थी उसको, बस फिर जाकर के उनके घर वालों को सबको 50 आदमियों को मार डाला। अब इसका पाप किस पर पड़ेगा, किस पर विचार करो, किस पर पड़ेगा? यदि वो मर जाता तो इतने आदमी को नहीं मारता, किंतु फिर उसने उसी दवा से अस्पताल में चिकित्सा होकर के फिर इतने आदमियों को मारा। इसलिए इसमें पुण्य में भी पाप होता है, इस चीज को समझो। जितना भी पुण्य करेंगे उसमें भी पाप रहेगा किसी न किसी रूप में। यज्ञ लोग करते थे उसमें लाखों प्राणी मर जाते हैं, चींटियां मर जाती हैं लकड़ी में जब हवन करते हैं, तो उसका पाप कहां जाएगा? इस तरह से ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जिसमें पाप और पुण्य दोनों नहीं मिले हुए हैं। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं होती, जन्म मरण से हम लोग नहीं बच सकते। कृष्ण ने कहा जे देखो बच्चों, पुण्य से दान से भी जन्म में सुख नहीं होता। जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक जीवन सफल नहीं होगा। पिता वही है, जन्म देने का वही सार्थक है, उसको पिता वही कहलाने का योग्य है जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति का भी पाठ पढ़ाए। जीवन का निर्वाह तो हो, वो तो गधे कुकर सका भी सभी लोग कर लेते हैं, किंतु ऐसा करे जो बच्चों को भी भगवान का भक्ति आए। माता वही गर्भवती है जो भगवान का भजन करना सिखाती है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया जंगल में जा रहा है, भाभी भी जा रही हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, यदि मैया तू आदेश दे दे मैं भैया की सेवा करने के लिए उनके साथ में 14 वर्ष के लिए जाऊं। तो मैया ने क्या उत्तर दिया, पुत्रवती युवती जगसोई। इस संसार में वही पुत्रवती मैया धन्य है जिसका बेटा भगवान का सेवा कर सकता है। तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हारे नाते आज मैं भी पुत्रवती होने में सार्थक हूं। हमारा गर्भ धारण करना सार्थक हुआ, और जिस ये गर्भ से निकल करके संसार में दुखी लोगों को देते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वो मूत्र के समान है, वो भगवान के भजन। पति वही है, पति माने क्या होता है, पालन करना, तरण करना, जो अपने पत्नी को पालन पोषण तरण करके भगवान का भजन में लगा देते हैं। तरण कैसे होगा जब तक भगवान का भजन में ही लगाएगा, पत्नी का संसार से त्राण, मृत्यु से त्राण रक्षा कैसे कर सकेगा? इसलिए पति भी वैसा हो। स्त्री कौन सी है जो अपने पति को सन्मार्ग में भगवत भक्ति में लगाए, उसी का पति करना विवाह करना सार्थक है। गुरु कौन है जो खुद गुरु भगवान का भजन करता है, और भजन करके क्या करता है, शिष्यों को भी भगवान का भजन कराता है, अनर्थ के कामों में नहीं लगाता। स्वामी जी इस काम में नहीं लाए थे कि अब रुपया खूब कमा लाओ और फिर लड़ो मरो और बीस दो परस्पर, इसके लिए नहीं आए थे। वो आए थे सब लोगों को संसार से दुखों से निकाल करके भगवान का भजन करने के लिए। जिस सत्संग में, जिस गुरु के साथ में जाने से भगवान का भजन नहीं होता,
उसको छोड़ो, तत्क्षणात छोड़ करके दूसरा सद्गुरु करो। पिता न शस्या, माता न शस्या, जनिन न शस्या, पति न शस्या, स्वजनों न शस्या, गुरु न शस्या, गुरु न शस्या, न जो मौत ये देह समूपेत मृत्यु। आसन्न मृत्यु से जो काल हमारे शरीर पर मड़ रहा है उसे रक्षा करके भगवान की भक्ति में ना लगाए, उसका जीवन सार्थक ना करा सके, उसके हृदय में प्रेम ना ला सके, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना कर्तव्य है। तत्क्षणात्, एक सेकंड में मत रखो। जिसके हृदय में वो प्रेम नहीं दे सकता, कृष्ण की सेवा नहीं दे सकता, जो शिष्यों को अपना धन समझता है, अपने भोग की बात समझता है, प्रॉपर्टी समझता है, the gurus who think that this is all my disciples are my property, property and position, what they are demons, they must be left at once बिना विचार के। गुरु तो वह है ना जो सबको लेकर के कृष्ण भक्ति देकर के भगवान के और राधा जी के कृष्ण के चरणों में पहुंचा दे। अपनी प्रॉपर्टी नहीं, वो कृष्ण की प्रॉपर्टी, हम सब भगवान के सेवक हैं। तो जी जो गुरु भगवान के चरणों में प्रेम नहीं सिखाता, जीवों के साथ में प्रीति नहीं करना सिखलाता, सबसे परस्पर प्रीति का व्यवहार नहीं सिखाता, जो पत्नी से प्यार नहीं करने देता ये नहीं सिखलाता, जो पत्नी से प्यार करो, माता पिता की सेवा करो ये नहीं सिखलाता, वो ये सिखलाता है जो पत्नी को मत कुछ करो, पत्नी को भगा दो और सारी धन हमको दे दो, और सन्यासी लोग को ये कहेगा ये तुम पत्नियों दूसरी के पत्नियों से मिलो, ये गुरु गुरु नहीं है। गुरु वह है जिसके हृदय में, शिष्यों के हृदय में प्रेम भर दे, सबसे प्यार करे, यहां तक कि कीड़ों से भी प्यार करे, हिरणों से प्यार करे, अपने गुरु भाइयों से प्यार करे, सब में प्यार की शिक्षा दे, प्यार भर दे, जिस प्यार के द्वारा कृष्ण को भी वशीभूत कर ले, ऐसा प्यार गुरु सिखाएगा तब तो गुरु है और वैष्णव है, उनके संग में रह सकते हैं। नहीं तो एक क्षण भी यदि ऐसे गुरु के साथ में वैष्णव, जो वैष्णव नामधारी हैं किंतु कोई भगवान का प्रेम नहीं दे सकते, दूसरों को शिक्षा नहीं देते, तो फिर क्या गुरु और वैष्णव है। उनको छोड़कर के यदि एक मिनट भी देर करता है तो उसको प्रेम भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन सब चीजों का विचार करके दिन रात गुरु सिखलाएगा ये कृष्ण के चरणों में प्रेमी मत हो जा। मीराबाई जी क्या कर रही, जी गोस्वामी की शिष्या थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और गुरु के साथ में रह रह करके लोक लाज सब कुछ खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये है ना। अरे शबरी को देखो कैसे जन्म में और कैसे राम के लिए तड़फ रही है, राम साधु संतों के पास नहीं गए, उसके पास, साधु संत माने क्या, बेश से साधु संत नहीं, जिसके हृदय में प्रेम है, जो भगवान को भी अपने प्रेम से खींच सकता है, उसको फुर्सत नहीं है और किसी बात का, सब समय प्रेम में भरी है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, प्रेम से भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उसका गायन करना, कीर्तन करना, सबके हृदय को वो बदल दे, ऐसा गुरु हो, और नहीं तो गुरु किस काम का। यदि स्वार्थ और पैसा करना कमाना ही सिखलाता है, लोगों से द्वेष विद्वेष करना सिखलाता है, ये गुरु नहीं। पुत्र भी कैसा होना चाहिए, प्रहलाद महाराज जी जैसा, जो अपने ऐसे धुरंधर विषयी पिता को भी भगवान से वर मांगा ये हमारे पिताजी का कल्याण हो जाए, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जिसके कुल में तुम्हारे जैसे भक्त होते हैं 21 पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है, और मध्यम कोटि का यदि होगा तो 14 और साधारण भी होगा भगवान का भजन करेगा उसके 7 पीढ़ी का उद्धार। अरे तुम्हारा, तुम तो परम भागवत है, तुम्हारा पिता तो जरूर हो जाएगा, और कुछ मांगो, प्रभु बनिया गिरी मत हमको सिखाइए, मैं बनिया नहीं हूं, यदि वर देना तो यही दीजिए, ये जगत के जितने प्राणी दुखी हैं उनका दुख मुझे आ जाए, और हमारी यदि भक्ति कुछ है ये सबको देकर के सबको संसार से एकदम
मुक्त कर दीजिए और अपना प्रेम दीजिए। ये वैष्णव होना चाहिए ना, ये वैष्णव कहलाते हैं जो दूसरों के लिए रोते हैं। जिनका हृदय, स्वामी जी का हृदय रोया, हाथ में वर सकते थे, खाने पीने की कमी नहीं थी, किंतु अपने गुरु का आदेश मान करके, भगवान के आदेश को मान करके, पृथ्वी तेज आछे जतो नगरा।